नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, स्वागत आपका एक बार फिर से नई वीडियो के प्रेडिक्शन के साथ। तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है, तमिलनाडु T20 का जो मैच खेले जाने वाला है LKK वर्सेस ITT के बीच में, ठीक है, इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। एक एक प्लेयर है ना, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ग्रैंड लीग टीम में कौन कौन से प्लेयर को ट्राई करना है आज के मैच में, क्योंकि जो ये सीरीज चली हुई है इंग्लिश T20 ब्लास्ट और T10 के मैच, और जो आज की जो नई सीरीज अब स्टार्ट हुई है जो 12 जून से जो स्टार्ट होने वाली है तमिलनाडु की, तो उसके बारे में, क्योंकि ये मैच है ना, ये आपके लिए ग्रैंड लीग विन करवाने वाले मैच है। आपने IPL में भले ही ग्रैंड लीग विन नहीं किया हो, लेकिन इन मैचों में आप आराम से ग्रैंड लीग विन करके लेके जा सकते हो। तो मैं आपको सिर्फ यही बोलूंगा कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, अगर आपको सच में ग्रैंड लीग जीतना है तो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, क्योंकि लगातार आप लाइक करते रहते हो ना, तो जो नेक्स्ट वीडियो आपको जो भी मैं प्रोवाइड करता हूं उसमें कुछ अलग ही मजा आपको देखने को मिलता है। तो लाइक फटाफट से दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बेल आइकन भी आप प्रेस करके रखें ताकि जब भी मैं इस चैनल पे वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और फाइनल टीम के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, फटाफट से जरूर ज्वाइन कर लेना। तो आज का जो हमारा मैच होगा LKK वर्सेस ITT के बीच में, तमिलनाडु 2023 का SNR कॉलेज क्रिकेट ग्राउंड में यह मुकाबला खेले जाने वाला है। डेट के बारे में बात करेंगे सबसे पहले, 12 जून को यह मैच खेले जाने वाला है, टाइम 7 बजे, ठीक है, शाम को यह मैच खेले जाने वाला है। तो काफी यूजर हैं जो मेरे पास बार बार कमेंट कर रहे हैं कि आप बोलते हो कि 7 बजे हमें एक्टिव मिला, तो हम कहां पे एक्टिव मिले? तो आप टेलीग्राम चैनल पे एक्टिव मिलना, वहां पे आपको मैं फाइनल टीम है ना, जो मैं टीम से खेलता हूं ग्रैंड लीग स्मॉल लीग टीम, वो आपको फाइनल टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर देता हूं। तो फटाफट से आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। तो अब यहां पर हम बात करेंगे जो पिच रिपोर्ट रहने वाली है, यहां पर SNR कॉलेज क्रिकेट ग्राउंड की जो पिच रिपोर्ट रहेगी उसके बारे में पूरा डिस्कस में बात करेंगे कि कौन कौन से प्लेयर आज के मैच में इंपॉर्टेंट है, पेसर्स को हम ट्राई कर सकते हैं, स्पिनर्स आज के मैच में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो पिच आपके लिए बैटिंग की देखने को मिलेगी, 9 मुकाबले इस पिच पर खेले जा चुके हैं और जो पहले बैटिंग करती है उसने 3 मैच विन किए हैं, सेकंड बैटिंग करने वाले ने यहां पर 6 मैच विन करे हैं। स्कोरिंग पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं, 150 से नीचे 4 बार, 150 से 170 के बीच में 2 बार, 170 से 190 के बीच में 1 बार, और 190 से भी ऊपर यहां पर 2 बार स्कोर बन चुका है। एवरेज स्कोर की बात करेंगे, 157 के करीब आपको एवरेज स्कोर देखने को मिल सकता है, और यहां पर जो हाईएस्ट स्कोर किया है NRK की टीम ने 236 रन मारे हैं और SSS की टीम ने 103 रन मारे हैं, ऑल आउट हो गई थी। बॉलिंग के बारे में बात करते हैं, लास्ट के 9 मैचों के बारे में, तो पेसर्स को 62 विकेट और स्पिनर्स को 54 विकेट, तो लगभग यहां पर पेसर्स भी अच्छी खासी विकेटें निकाल के देंगे और स्पिनर्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचना कि ग्रैंड लीग टीम खेल रहा हूं और पेसर्स आज के मैच में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए तीनों ऑप्शन आज के मैच में इंपॉर्टेंट है, स्पिनर्स भी, पेसर्स भी और बैटिंग सेक्शन भी। वो मैं आपको क्यों इंपॉर्टेंट है वो अब मैं आपको जो लास्ट के जो मैच खेले गए हैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा समझाता हूं, फिर आपको पता लगेगा कि हमें कितने पेसर्स ट्राई करने हैं और कितने स्पिनर्स आज की ग्रैंड लीग टीम में ट्राई करने हैं। तो यहां पर NRK और LKK के बीच में यहां पर मैच खेला गया जिसमें 7 विकेट मिली थी स्पिनर्स को और 7 विकेट ही मिली पेसर्स को। फिर DD और CSD के बीच में खेला गया जिसमें 6 विकेट स्पिनर्स को मिली है और 3 विकेट यहां पर पेसर्स को मिली है। फिर IEEE और LKK के बीच में हुआ 6 स्पिनर्स को और 1 यहां पर पेसर्स को। फिर यहां पर 4 पेसर्स को और 5 स्पिनर्स को। तो लगभग यहां पर जो एवरेज स्कोर निकल रहा है 6 विकेट आपको स्पिनर्स निकाल के देंगे और यहां पर जो एवरेज निकल रहा है 3 विकेट आपको पेसर्स निकाल के दे सकते हैं। तो लगभग आज के मैच में आपके लिए पेसर्स भी इंपॉर्टेंट है और स्पिनर्स भी इंपॉर्टेंट है और बैटिंग सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। 208 का स्कोर है, यहां पर 236 का स्कोर है, यहां पर आप देखोगे 158 के करीब है और यहां पर 139 के करीब है। तो स्कोर है आपको कम से कम 160 प्लस का स्कोर आपको देखने को मिलेगा। तो कौन कौन से प्लेयर हैं जो परफॉर्मेंस करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले लास्ट के हेड टू हेड के बारे में बात कर लेते हैं कि जब भी दोनों टीमों के बीच मैच खेला गया तो कौन सी टीम ने क्या परफॉर्मेंस किया है, क्योंकि ये चीज ग्रैंड लीग यूजर के लिए काफी ज्यादा मदद करेगी। क्योंकि अगर आप इस जो भी मैं आपको यहां पर वेन्यू का रिकॉर्ड और हेड टू हेड के बारे में जो भी बताता हूं अगर आप इसको अच्छे प्रकार से समझ लोगे तो आप ग्रैंड लीग टीम में आराम से क्रिएट कर सकते हो और आराम से विन भी कर सकते हो। तो यहां पर LKK की टीम ने यहां पर 6 मैच विन किए हैं, टोटल 8 मैचों की बात कर रहा हूं। IEEE ने यहां पर 2 मैच विन किए हैं, हाईएस्ट स्कोर 193 का है, इसका 94 का है, इसका लोएस्ट स्कोर यहां पर 123 का है,
इसका 113 का है और 25% IEEE की टीम मैच को विन कर सकती है, 75% LKK की टीम यहां पर मैच को विन कर सकती है। तो ये रहने वाला है हेड टू हेड, जो लास्ट के 8 मैच होने वाले हैं वो मैंने यहां पर आपको कवर करके दिए हैं। अब यहां पर बात करेंगे प्लेइंग 11 के बारे में, तो प्लेइंग 11 लगभग आपको सभी को पता रहता है कि क्या प्लेइंग 11 रहेगी। वैसे आप एक बार यहां पर नजर मार सकते हो कि किस प्रकार की प्लेइंग 11 रहेगी, बाकी मैं यहां पर आगे आपको कवर करवा दूंगा कि कौन सी प्लेइंग 11 आपको इस मैच में रहने वाली है और कौन से प्लेयर ने क्या परफॉर्मेंस किया है हेड टू हेड में और इस वेन्यू पे क्या रिकॉर्ड है, क्योंकि ये आपको अच्छे प्रकार से समझना है। उसके बाद आपको फाइनल टीम की तरफ जाना है कि आपको कितने बैटिंग सेक्शन ट्राई करने हैं और कौन सा प्लेयर आपको आज के मैच में कैप्टन वॉइस कैप्टनशिप ट्राई करना है। तो यहां पर सबसे पहले बात करेंगे जयेश कुमार की। यहां पर रिसेंट परफॉर्मेंस गजब का चल रहा है T20 मैचों में, हेड टू हेड में 83 की एवरेज स्कोर है और वेन्यू पे भी 50 की एवरेज स्कोर से रन मार रहा है, तो आप इस प्लेयर को कैप्टन वॉइस कैप्टनशिप में ट्राई कर सकते हो। तो यहां पर अगले प्लेयर की बात करते हैं, रिसेंट परफॉर्मेंस आप देख सकते हो, हेड टू हेड में कोई रिकॉर्ड नहीं है, 0 मैच खेले हैं और वेन्यू पे भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। अगले प्लेयर की बात करते हैं साइन सुदर्शन की, जो आपने देखा होगा आईपीएल में गजब का परफॉर्मेंस था और यहां पर भी गजब का परफॉर्मेंस ही है, क्योंकि इस पिच पर एक 58 की एवरेज स्कोर से रन मारता है। अगले प्लेयर की बात करते हैं शाहरुख खान की, रिसेंट परफॉर्मेंस आप ये देख सकते हो, लगभग आपको जो प्लेयर है वो आईपीएल में जो खेल रहे थे वो भी आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। तो यहां पर हेड टू हेड में 4 मैचों में 18 की एवरेज स्कोर, 3 मैचों में 42 की एवरेज स्कोर से रन मार रहा है। यहां पर अगले प्लेयर की बात करते हैं, रिसेंट परफॉर्मेंस बिल्कुल खराब है, हेड टू हेड में 2 मैचों में 13 की एवरेज स्कोर से, 3 मैचों में 7 की एवरेज स्कोर से यहां पर रन मार रहा है। अगले प्लेयर की बात करते हैं राम की, रिसेंट परफॉर्मेंस ये चल रहा है, वेन्यू पे कोई रिकॉर्ड नहीं है और हेड टू हेड में भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये यहां पर रहने वाले हैं बैटिंग सेक्शन और लगभग एक दो प्लेयर आपको ऑलराउंडर में भी देखने को मिल सकते हैं। अब यहां पर बात करेंगे जो बाकी के प्लेयर बचते हैं LKK की टीम के, जो ऑलराउंडर और बॉलिंग सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो यहां पर रहमान की बात करते हैं, रिसेंट परफॉर्मेंस ये है, हेड टू हेड में कोई रिकॉर्ड नहीं है, वेन्यू पे भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। मोहम्मद की बात करते हैं, रिसेंट परफॉर्मेंस गजब का चल रहा है लेकिन हेड टू हेड में भी 4 विकेट निकाल चुका है और वेन्यू पे ओनली 3 ही विकेट मिली है 2 मैचों में। अब यहां पर किरण आकाश की बात करते हैं, रिसेंट परफॉर्मेंस ये चल रहा है, हेड टू हेड में कोई रिकॉर्ड नहीं है, वेन्यू पे भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। अगले प्लेयर की बात करते हैं देवकर की, तो रिसेंट परफॉर्मेंस इसका गजब है, 1 मैच में 2 विकेट और वेन्यू पे अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन इसका जो परफॉर्मेंस है ना रिसेंट का वो गजब का है। सिद्धार्थ की बात करता हूं, रिसेंट परफॉर्मेंस आप देख सकते हो लेकिन हेड टू हेड में कोई रिकॉर्ड नहीं है, वेन्यू पे 2 विकेट निकाल चुका है 2 मैचों में। तो ये हमारी प्लेइंग 11 रहने वाली है LKK की। अब यहां पर बात करेंगे IEEE की, जो प्लेयर परफॉर्मेंस रहने वाली है रिसेंट की और हेड टू हेड की और इस वेन्यू पे क्या परफॉर्मेंस है। तो यहां पर सबसे पहले तुषार की बात करेंगे, रिसेंट परफॉर्मेंस ये है, 3 मैचों में 9 की एवरेज स्कोर से रन मारता है, वेन्यू पे 19 की एवरेज स्कोर है। अगले प्लेयर की बात करते हैं विवेक की, रिसेंट परफॉर्मेंस ये चल रहा है, 22 की एवरेज स्कोर से हेड टू हेड में रन मारा है, प्लस में 3 विकेट और वेन्यू पे इसका परफॉर्मेंस अच्छा है, 1 ही मैच खेला है, 61 रन मार दिए। ठीक है, विजय शंकर की बात करते हैं, 2 मैचों में यहां पर ड्रॉप थे लेकिन रिसेंट परफॉर्मेंस आप देख सकते हो, 1 मैच में 1 विकेट है, बाकी वेन्यू पे भी इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है लेकिन आईपीएल में गजब का परफॉर्मेंस करके आ रहा है। अगले प्लेयर की बात करते हैं, रिसेंट परफॉर्मेंस इसका भी थोड़ा सा खराब है और वेन्यू पे भी इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है और हेड टू हेड में भी इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। अगले प्लेयर की बात करते हैं, रिसेंट परफॉर्मेंस गजब का है इसका, हेड टू हेड में भी 36 की एवरेज स्कोर से रन मार रहा है और यहां पर वेन्यू पे कोई रिकॉर्ड नहीं है। SI किशोर की बात करते हैं, रिसेंट परफॉर्मेंस आप देख सकते हो, 3 विकेट 1 विकेट 1 विकेट, वेन्यू पे हेड टू हेड में बात करूं तो 11 विकेट निकाल चुका है और वेन्यू पे 2 विकेट निकाल चुका है, ओनली 2 ही मैच खेले हैं। तो ये स्पिनर्स है, आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकता है, आप इसको कैप्टन वॉइस कैप्टनशिप में भी ट्राई कर सकते हो। अगले प्लेयर की बात करते हैं विशाल की, तो रिसेंट परफॉर्मेंस आप देख सकते हो, 24 के एवरेज स्कोर से हेड टू हेड में परफॉर्मेंस कर रहा है और वेन्यू पे 2 का एवरेज स्कोर है क्योंकि 1 ही मैच खेला है। अगले प्लेयर की बात करते हैं, रिसेंट परफॉर्मेंस ये चल रहा है, 1 मैच में 1 विकेट, वेन्यू पे कोई रिकॉर्ड नहीं है। अगला प्लेयर की बात करते हैं, रिसेंट परफॉर्मेंस इसका भी इतना अच्छा नहीं है, हेड टू हेड में भी यहां पर 4 विकेट निकाली है 3 मैचों में और वेन्यू पे भी 2 विकेट ली है। यहां पर अजीत राम की बात करते हैं, रिसेंट परफॉर्मेंस इसका 2 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट, रिसेंट परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं है हेड टू हेड का और यहां पर 4 मैचों में 4 विकेट निकाल चुका है इस पिच पर। अगले प्लेयर की बात करते हैं, रिसेंट परफॉर्मेंस इसका भी गजब का है लेकिन 1 मैच में 1 ही विकेट निकाली है इस ग्राउंड पे। तो पूरा रिकॉर्ड मैंने आपको यहां पर दिखा दिया है, अगर आप एक ग्रैंड लीग के यूजर हो तो आप इस रिकॉर्ड के अनुसार अपनी टीम क्रिएट करना, आप आराम से प्रॉफिट करके लेके जाओगे अपने तरीके से। ऐसा ही कोई भी टीम आप ट्राई मत करना जिससे आपका लॉस यहां पर हो जाए,
क्योंकि प्लेयरों के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर टीम क्रिएट करना। ये मेरे आज के टॉप फैंटेसी प्लेयर रहने वाले हैं 8, तो यहां पर आप इनके ऊपर रिस्क ले सकते हो कैप्टन वॉइस कैप्टनसी के लिए। अगर और कोई अपडेट आती है ठीक है वो आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देता हूं। तो ये मेरी आज की फाइनल फैंटेसी टीम रहने वाली है जिसमें मैंने कैप्टनसी सुदर्शन को लगाया हुआ है, वो इस कैप्टनसी विजय शंकर को रखने वाला हूं। 3 यहां पर मैंने बॉलिंग सेक्शन, 3 यहां पर ऑलराउंडर, 4 यहां से बैटिंग सेक्शन, 1 यहां से विकेट कीपर रखने वाला हूं। तो फाइनल टीम के लिए आपके लिए टेलीग्राम चैनल इंपॉर्टेंट है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, फटाफट से टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसको जरूर प्रेस करके रखना ताकि जब भी मैं इस चैनल पे वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप वीडियो देखकर अच्छे खासा अमाउंट विन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।